हाँ जी, अभी तो मैं शुरू नहीं होऊंगा, पहले मुझे एक्साइटमेंट चेक करनी है लखनऊ यूपी की। कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों में, दिखाइए एक बार एक्साइटमेंट मुझे दिखाइए। यस, आवाज ज्यादा कहां से आई थी, इधर से आई थी, आप दिखाइए एक्साइटमेंट। यस, वेरी गुड, थैंक यू। अरे वेरी गुड, अच्छा थैंक यू। वो ओ माई गॉड कहाँ है, एक बार फिर से बोलना। ओके थैंक यू। अभी थोड़ा सा बिल्कुल शांत हो जाएं, ज्यादा देर के लिए नहीं, 20-25 मिनट के लिए। कुछ होगा अब यहां पे, ये एक ऐसा मंच है जहां पर मैं आपसे अपने बारे में बात नहीं करूंगा। एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही दुनिया में एक ऐसा मंच है जो आपको बुला करके केवल आपकी कामयाबी की बात करता है और किसी की बात नहीं करता। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जस्ट 2 हफ्ते पहले मैंने अपने 14 ईयर्स कंप्लीट करे हैं और मैं 15वें साल में लग चुका हूं 15 ईयर्स में। जबरदस्त कंपनी है, रोज सुबह उठता हूं पहले से ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूं। और मैं जानता हूं कि आज आप सब लोग यहां पे बहुत सारे लेवल्स के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से नए लोग बहुत सारे हैं। और जब मैंने देखा था आज नए लोगों के हाथ खड़े हुए थे, मेरे मन में कैसी उमंग आई थी कि आज इस मंच से उतरने के बाद मैं अपने आप में ये कमिटमेंट करता हूं कि इस मंच से उतरने से पहले पहले मैं आए हुए नए लोगों को, सभी लोगों को आज दिमाग से मैनेजर बना के तो यहां से जरूर भेजूंगा, ब्रेन से। यस, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर्स, मैनेजर्स, लीडरशिप यहाँ बैठी हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज की इस छोटी सी 20-25 मिनट की इस डिस्कशन से एक नेक्स्ट लेवल माइंड में आ जाए, डिसीजन स्ट्रांग हो जाए, फॉरएवर को करने का डिसीजन स्ट्रांग हो जाए, एक बिलीफ की वॉल स्ट्रांग हो जाए। कहते हैं बड़े से बड़े बिजनेस की जो बुनियाद होती है ना, वो जो दीवार होती है, वो विश्वास की होती है। और अगर बिलीफ की वॉल स्ट्रांग हो जाए तो 100% सक्सेस मिलती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहां पे आए हुए लोगों की जो बिलीफ की वॉल है ना, वो स्ट्रांग हो। लेकिन उससे पहले ना, मैं कहीं ना कहीं आपके साथ अपने बारे में हार्डली 3-4 मिनट बात करूंगा फॉरएवर से पहले के बारे में, क्योंकि जब तक वो नहीं पता चलेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं आप मेरी स्टोरी में अपने आप को महसूस करें। मैं स्टोरी बहुत डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा। फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, फैमिली में बहुत सक्सेस आई और सक्सेस के कोई पैमाने नहीं थे, बहुत हाइट देखी एक चाइल्डहुड एज में। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 जैसे एज बढ़ी, वो सक्सेस का लेवल चला गया। बिजनेस ऐसा था जिसकी वजह से वो सक्सेस जो आई थी वो चली गई। उसके बाद अपनी लाइफ में खुद को स्टार्ट करा ये सोच के कि वो सक्सेस शायद मैं वापस अपनी फैमिली के लिए ला पाऊं। मैंने जिस काम को करा, उस काम को मैंने पूरी ताकत से करा, पूरी क्रिएटिविटी से करा, पूरी मेहनत से करा, और 1-2 साल नहीं करा, 13 साल तक करा। 13 साल तक करने के बाद जो मैं सोचता था कि मुझे मेरे जीवन में जो मिलेगा, जो मेरे सपने थे, जिसको हम डी से ड्रीम्स कहते हैं, 13 सालों के बाद जब मैं वहां पर पहुंचा, जब उस रोड के डेड एंड पर मैं पहुंचा जहां पर मुझे उम्मीद थी कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा, वहां पर मेरे ड्रीम्स का डी भी मुझे नहीं मिला। मैंने एनालाइज करा कि मेरी कमी क्या थी। मैंने मेहनत पूरी करी, मैंने एक दुकान चलाई, मैंने बड़ी मेहनत करी, मैंने 12-12, 13-13 घंटे काम करा, मैंने बहुत क्रिएटिविटी दिखाई, मैंने बड़ी ऑनेस्टी से काम करा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, मेरा प्लेटफॉर्म ठीक नहीं था। लाइफ में जो काम करने की जो जगह थी ना, उसमें इतना ज्यादा भविष्य नहीं था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जीवन में आना हो गया, एक्सीडेंटली हुआ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक्सीडेंटली आई, कुछ प्रोडक्ट्स आए, प्रोडक्ट्स के चमत्कारी रिजल्ट मेरी फैमिली पे देखे। और वो देखने के बाद जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस में गया, मुझे फॉलोअप किया गया, आपको ऑफिस आना है, मैं फॉरएवर के ऑफिस में गया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस में जाने के बाद हर इंसान का फॉरएवर को देखने का नजरिया अलग होता है। जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस में गया था तो मैं केवल यही देख रहा था कि क्या जो मैंने अपनी लाइफ जो चाइल्डहुड में खोई थी, क्या मुझे वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दे सकता है।
हमारा फॉरएवर को देखने का नजरिया अलग होता है। अगर नजरिया अलग होता है तभी कुछ अलग दिखता है। मैंने वो चीज देखी और दोस्तों वास्तव में मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में महसूस नहीं कर लिया, मुझे विश्वास हो गया जो चीज मैंने अपनी चाइल्डहुड में, जो मैंने सक्सेस लाइफ अपनी फैमिली में देखी थी ना, वो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से दोबारा से हासिल कर सकता हूं। वो मुझे विश्वास हो गया था। और ना के केवल मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म को ना के केवल मैंने अपनी सोच जितना पाया, बल्कि मैंने अपनी सोच से भी बड़ा पाया। इसका मतलब मुझे लगा कि यहां पर मैं अपने सपने और भी बड़े कर सकता हूं। और दोस्तों काम करना शुरू करा, स्ट्रॉन्ग नीड के साथ काम करा, स्ट्रॉन्ग नीड के साथ। मैं इस पर हमेशा बोलता हूं, आपकी सारे डिसीजंस, आपकी सारी नीड, आपकी जितनी नीड है ना, आपकी सारी सक्सेस आपकी नीड पर डिपेंड करती है कि आपकी नीड कितनी स्ट्रांग है। जिस दिन आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करने का कारण मिल गया ना, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 100% सक्सेस हो जाओगे। कारण ढूंढना बहुत जरूरी है कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्यों आऊं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्यों करूं। एक मैं लाइन बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में, एक्सेप्टेंस मूड में आना चाहिए इंसान को। जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स करता हूं मैं एक बात बोलता हूं कि आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ आपको जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। जब मैं मीटिंग्स करता हूं मैं लोगों से पूछता हूं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको पता है दोस्तों, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो शर्म से हाथ नहीं उठाते कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं पड़ोसी को पता चल जाएगा कि मैं अनसेटिस्फाइड हूं। नहीं, जिस दिन आपको ऐसा महसूस हो गया ना कि आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उस दिन से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अगर आज मैं अगर आपसे पूछूं ना कितने लोग लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, तो 100% लोगों ने हाथ उठाना है। कितने लोग तरक्की करना चाहते हैं, उठाइए हाथ, दिखाइए, उठाइए सब लोग अपने हाथ। वेरी गुड, आपने एक्सेप्ट करा है। आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ मुझे लाइफ में तरक्की करनी है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे फादर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं एक डॉक्टर प्रोफेशन, मेरे फादर डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर प्रोफेशन बहुत पुरानी बात बोली जाती है। कहते हैं वो पेशेंट बहुत बदनसीब होता है जिसे ये नहीं पता होता उससे बीमारी क्या है, है ना। अगर मुझे आज की डेट में ये पता चल जाए मेरे जीवन में कि हाँ मैं इस मीटिंग रूम में आने से पहले अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाइड था, मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाहता था, बहुत बड़ा करना चाहता था, लेकिन मेरे पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी नहीं थी, मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं थे, मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे पास ऐसा मौका नहीं था, अगर आज आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज से ही आपकी फॉरएवर में लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आज से ही ड्रीम्स पर चर्चा जरूर करूंगा। फॉरएवर में आने से पहले ड्रीम्स पर कोई बात नहीं करता, लेकिन बड़ी अच्छी बात बोली थी किसी व्यक्ति ने, डायरी खोलनी है तो खोल लो, लेकिन कोई बात नहीं, दिमाग भी खुला होना काफी अच्छी बात होती है। सपनों के ऊपर एक बात बोलूंगा दोस्तों, सपने जरूर रखिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हाँ सपने होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए। मैं सपनों के ऊपर एक बात बोलता हूं, अगर आपने अपने सपनों का चुनाव नहीं करा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपने अपने सपनों का चुनाव नहीं करा, कोई दूसरा व्यक्ति अपने सपने पूरे करने के लिए आपका चुनाव कर लेगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपका नाम लिख लिया, अगर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपका नाम लिख लिया, तो आपने क्या किया, आपने उसके ड्रीम्स पूरे करे, अपने पूरे नहीं करे। इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जब हम आते हैं तो हमें अपने सपनों को पानी देना चाहिए, अपने ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद हमारे पास एक जगह है इस बिजनेस में डेवलप करने की, और उस जगह का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शानदार ट्रेनिंग्स। क्या नाम है? शानदार ट्रेनिंग्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ज्वाइनिंग फॉर्म पे एजुकेशन का कॉलम नहीं है। फॉरएवर कभी नहीं पूछती कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर एजुकेशन का कॉलम नहीं है फॉर्म पर। क्यों? फॉरएवर ये कहती है कि हमारे पास खुद का अपना एजुकेशन सिस्टम है, आप चाहे जितना भी पढ़ लिख कर आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फॉरएवर को ज्वाइन करा है तो फॉरएवर के एजुकेशन सिस्टम को लीजिए, फॉरएवर की ट्रेनिंग्स को लीजिए। मैं यहां पर एक बात बोलता हूं, पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर सफल है तो दो चीजों की वजह से सफल है।
एक उसकी चुनी गई इंडस्ट्री, उसने किस इंडस्ट्री को चुना था, और दूसरी चीज उसके वर्ड्स कैसे हैं, उसके शब्द कैसे हैं। इन दो चीजों पर इंसान की तरक्की लिखी हुई है। एक सबसे बड़ी अचीवमेंट तो आपकी हो गई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आने के बाद। इसका मतलब यह है कि 50% काम हो चुका है। इंडस्ट्री आपने वो चुन लिया जो इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। इसके शब्द सीखना बाकी है, आपने इसके वर्ड्स सीखने हैं। और वर्ड्स की भी तीन स्टेजेस होती है माय डियर फ्रेंड्स। पहली स्टेज होती है रॉ वर्ड्स। जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हम इस इंडस्ट्री के रॉ वर्ड्स सीखते हैं, टूटे फूटे शब्द सीखते हैं। जब हम रॉ वर्ड्स सीखते हैं तो हम लोगों के साथ रॉ वर्ड्स उनको बताते हैं, हमारी रॉ टीम बनती है। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग्स में और अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, हमारे वर्ड फाइन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम और अच्छे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे ही हमारे शब्द फाइन होते हैं, हमारी टीम का भी रूप फाइन टीम के रूप में बनने लगता है। हमारी टीम की लेवल इंप्रूव होने लगते हैं। और तीसरी स्टेज सबसे अच्छी स्टेज होती है, जिसे मैं कहता हूं माइक्रो वर्ड्स। माइक्रो वर्ड्स का मतलब होता है बहुत थोड़े शब्दों का इस्तेमाल करके और बहुत बड़ी बात बोल जाना। आप जैसे जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मीटिंग में ट्रेनिंग में बैठेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप रॉ से फाइन हो जाएंगे और फाइन से माइक्रो हो जाएंगे। जिस दिन आपने माइक्रो वर्ड्स पकड़ लिए, उस दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मुझे 100% फॉलो करें। कोई व्यक्ति किसी को 100% फॉलो नहीं कर सकता। मैं एक ही बात बोलता हूं, आप केवल और केवल एक काम करें, आप अपना बेस्ट करें। अगर आप अपना बेस्ट करेंगे तो हो सकता है आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया ही नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के टॉप लीडर बन जाएं। आप अपना बेस्ट करना सोचिए, आज से प्लान करिए कि आज से आप अपना बेस्ट करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, मन से बहुत कम शब्द बोलता हूं लेकिन आज बोल रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं ना दोस्तों, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की दिल से इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत बोलता है ना, इसका मतलब यह है कि उसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं कि यह कॉन्सेप्ट है क्या। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानेगा वो दिल से इज्जत करेगा। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंडस्ट्री है। इस पर बुक्स लिखी गई हैं, इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। और जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग की इज्जत बड़ी करता है। वो इज्जत पता है क्यों करता है? वो लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं जिनके माँ बाप उन्हें विरासत में बहुत कुछ देकर नहीं चाहते, लेकिन वो बहुत तरक्की करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की वो बहुत इज्जत करते हैं जिनकी लाइफ में एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हर इंसान उसकी इज्जत करता है जिसके पास पैसा लगाने के लिए नहीं है, लेकिन वो बहुत पैसा कमाना चाहता है। ये सब लोग एक बहुत अच्छे सिस्टम से नेटवर्क मार्केटिंग की इज्जत करते हैं। दूसरी बात, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को समझता है वो नेटवर्क मार्केटिंग की रिस्पेक्ट करता है। और दूसरी चीज, वो नेटवर्क मार्केटिंग को ढूंढता है, वो वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्किंग कंपनी को ढूंढता है। उसे पता है कि अगर वो एक बार उसकी लाइफ में कहीं वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ गई तो इस कंपनी में इतनी ताकत होती है, उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इतनी ताकत होती है कि 50 साल की इनकम को आपके सामने 5 साल में ला के रख सकती है, अगर सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको मिल जाए तो। और दोस्तों, जिस दिन आपकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आ गई थी ना, बाय डिफॉल्ट ही सही, जिस दिन आपकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आ गई थी, आप यकीन मानिए आपकी सर्च कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ चुकी है, दुनिया की बेस्ट कंपनी आ चुकी है। अब देखना यह है कि आप एक्शन कितना लेते हैं, कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उसको सही तरीके से कैसे करते हैं। एक अच्छी कंपनी, हमारी कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मैं नेटवर्किंग को अगर देखूं, सबसे बढ़िया क्वालिटी फॉरएवर की क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, नौकरियां बदलता है, दुकानें बंद करता है, 50 साल का हो जाता है फिर भी लाइफ में स्टेबल नहीं होता, वो एक ऐसी कंपनी ढूंढता है जहां पर उसको स्टेबिलिटी मिले। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक बहुत जबरदस्त स्टेबिलिटी है। दूसरा स्टेप, आप क्लैप करना चाहो कर दो, थैंक यू।
फॉरएवर की दूसरी विशेषता, आप एक ऐसी कंपनी में आए हैं जो स्कोप से भरी हुई है। इस कंपनी में इतना स्कोप है, इतना स्कोप है, हमारे प्रोडक्ट्स इतने शानदार, इतने जानदार हैं कि आने वाले टाइम में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हमें फुर्सत ही नहीं है। मैं आपको ये बोलूं कि इस दुनिया में आने से पहले भी जो व्यक्ति, जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है ना, उसको भी एक गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन की जरूरत है। आप एक स्कोप से भरी हुई कंपनी में आ गए हैं। तीसरा स्टेप, हमारी कंपनी में पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आप सोचे तो सही आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप एक बार विचार करिए आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप सोचिए आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको उससे 1000 गुना ज्यादा पैसा दे सकती है। इसके अंदर पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल से भरी कंपनी है। पहले 1 साल के बाद दोस्तों, फॉरएवर करने के 1 साल के बाद मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पैसे के बारे में ना सोचूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 1 साल के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मैं फॉरएवर के बारे में, पैसे के बारे में ना सोचूं, क्योंकि पैसा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक बड़ा छोटा सा साइड इफेक्ट है। ये अपने आप आपके घर पर चलकर आता है, आपको इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आप आए हैं ना, तो आप पता क्यों आइए, आप पैसे के लिए मत आइए, आप इस कंपनी में आइए एक लाइफस्टाइल के लिए, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आइए, एक सिक्योरिटी वर्ड के लिए आइए। सिक्योरिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटी वर्ड का मतलब होता है जब मैं नहीं तो मेरे बाद वालों का क्या होगा। सिक्योरिटी वर्ड का मतलब होता है अगर मैं असमर्थ हो गया कुछ करने में तो उसके बाद क्या होगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सिक्योरिटी वर्ड मौजूद है। उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहले महीने चेक आया था 42.95 रुपए का, बड़ा अच्छा लगा था इस कंपनी को देखते हुए। पहले साल की इनकम थी 2,12,750 रुपए, पहले महीने 42.95 रुपए, पहले साल की इनकम 2,12,750 रुपए, और पिछले साल की इनकम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से तकरीबन 2 करोड़ रुपए। मैं आपको अपनी इनकम बताकर इंप्रेस नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको अपनी इनकम बताकर के कंपनी का पोटेंशियल दिखाना चाहता हूं। यह कंपनी का पोटेंशियल है। बहुत बड़ी सोच से आई है कंपनी में। शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग मना करते हैं, लोग बोलते हैं नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आपको कुछ बुरा लगता है। आप परवाह मत करिए, हमारी इंडस्ट्री का कंटेंट है नो। लोग हमें नो बोलते हैं। पता है लोग हमें क्यों नो बोलते हैं? मैं तो यहां पर एक बात बोलता हूं, लोग नो क्यों बोलते हैं, एक्चुअली लोग नो नहीं बोलते हैं, नेचर उन लोगों को भेजती है आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या आप इतनी बड़ी सक्सेस को डिजर्व करते भी हैं कि नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लोग आपको नो बोलते हैं। लोगों ने मुझे बहुत नो बोला, बहुत बार बोला। लोगों ने मुझे बोला एक काम करो आनंद, तुम चलो मैं आया, तुम चलो मैं आया। वो नहीं आए, लेकिन मैं यहां तक आ गया। वो लोग नहीं आए, लेकिन मैं यहां तक आ गया। आपने एक फर्क देखा क्या हुआ? मैंने लोगों की ना बहुत ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करी। मैंने देखा कि अगर वो आ रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है ना, तो मैं अपनी कंपनी में अपनी कुर्सी पर जाकर सीखने के लिए चला गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ मेरी डाउनलाइन आए या ना आए। जिस दिन मैं इस बिजनेस को सीख गया तो मैं इस बिजनेस को सबसे अच्छा डेवलप करूंगा। ये मेरी सोच थी, आपकी भी यही सोच होनी चाहिए। आपको ऐसी सोच रखनी है अपने साथ दोस्तों। एक बड़ी पुरानी बात बोलता हूं मैं कि यार एग्जाम तो दे दो। लोग एग्जाम दिए बिना ही फेल होने की तैयारी कर लेते हैं। लोग बोलते हैं सर मैंने फॉरएवर इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे ना ये नहीं पता करने के बाद मैं करूंगा क्या। तो मैं उनको बोलता हूं यार तू एग्जाम दे दे, तू एग्जाम दे के फेल हो जा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बता दूं, अगर यहां पर तू एग्जाम दे के फेल 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 होता भी रहा ना, अगर सिर्फ एक बार भी पास हो गया तो सारे फेलियर्स भी कवर हो जाएंगे और सारी जिंदगी के लिए तू इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा। किसी के मना करने से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अपना डिसीजन स्ट्रांग रखिए। आपको पता होना चाहिए आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्यों आए हैं। मेरे को लाइफ में जब भी
ऐसा महसूस हुआ ना कि दिक्कत आ रही है, तो मेरी दिक्कत पता है किस चीज से दूर हो गई थी? मेरी दिक्कत मेरे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की काम करने की नीड ने दूर कर दी थी, मेरे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ने दूर कर दी थी। मैं लोगों को एक बात बोलता हूं, लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। क्या हैं? प्रॉब्लम्स हैं लोगों को लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं फॉरएवर की बात नहीं करूं, मैं और दुनिया की बात करूं, जो हमारी और जिंदगी की बात करूं, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। और हम एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं, और हम हर रोज उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के अपने घर पर आ जाते हैं। हमसे कोई कम नहीं है। अगर मुझे आज पता है कि मुझे अपने चाइल्ड की फीस को अरेंज करना है, मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक आइडियल फादर हूं, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। हर रोज जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, हम लोग हर रोज उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने के बाद कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको चैलेंजेस आते हैं। आपको जब भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप आएंगे, आप काम करना शुरू करेंगे, फॉरएवर आपको समस्याएं नहीं देती है, फॉरएवर आपको चैलेंज देती है। और याद रखिएगा, जिस दिन आपने चैलेंज का समाधान निकाल लिया, चैलेंज का समाधान 100% सक्सेस होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है। उसका प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन, उसका 100% क्या है? सक्सेस है। मैं लोगों को बोलता हूं, लोग बोलते हैं सर मेरे से ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं हो रहा है, तो मैं उसको एक बात बोलता हूं, कोई बात नहीं, अब आप इसका मतलब कौन से जीवन में जाने चाह रहे हो? जिस लाइफ में प्रॉब्लम्स थी यार, प्रॉब्लम्स तो हम रोज फेस करते हैं। अगर हम फॉरएवर नहीं करेंगे, और हम फॉरएवर नहीं करेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम्स वाली लाइफ में चले जाएंगे। अगर हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो फॉरएवर के साथ काम करके सक्सेस क्यों नहीं हो सकते? कर सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताइए, हो सकते नहीं हो सकते? Yes. मिस्टर रेक्स मॉन, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मिस्टर रेक्स मॉन एक विजनरी पर्सन है। विजनरी पर्सन की हिंदी होती है जिसे कहते हैं दूर दृष्टि रखने वाले व्यक्तित्व हैं वो लोग। मिस्टर रेक्स मॉन एक विजनरी पर्सन है। उनके उनके बिजनेस में अगर आप आए तो आप विजनरी बने। आप अपनी प्लानिंग करें कि आप अगले 4 से 5 सालों में कहां होंगे। आप विजनरी बनिए। जो लोग किसी और कंपनी की तरह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स करने के लिए आते हैं ना, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, पहले महीने 50,000, अगले महीने 1,00,000, तीसरे महीने 2,00,000, चौथे महीने 4,00,000, पांचवे महीने ढूंढते रह जाओगे, गायब, खत्म। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वो कंपनी नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस में आप आएंगे, आप धीरे 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 ग्रो करेंगे। एक पेड़ को कैसे ग्रो करते हुए देखा है आपने? पेड़ जितना बड़ा हो जाता है, क्या उसके बाद कभी वो छोटा होता है? वो हमेशा बढ़ता है। आप इस बिजनेस के अंदर एक ट्री की तरह बढ़ते हैं, और धीरे 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 आप ग्रो करते हैं। इस बिजनेस में आप क्यों आए? इस बिजनेस में आए अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए हो, आप तब आए। आपको एक लाइफस्टाइल चाहिए हो, आप तब आए। आपको इंटरनेशनल ट्रेवल्स करने हो, पूरे देश दुनिया घूमनी हो, आप तब आए। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए हो, आप तब आए। बहुत सारा पैसा कमाना हो, आप तब आए। और जाते जाते इस बिजनेस को अपने बच्चों को सुपुर्द करके जाना हो, आप तब आए। ये वो वाला बिजनेस है जो आप अपनी फैमिली को गिफ्ट में देके जाते हैं। ये वो वाला बिजनेस है दोस्तों। इसको उस नजरिए से ग्रो करें। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। और बड़ी अच्छी बात यहां पे एक व्यक्ति ने बोली थी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जब हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आएंगे तो हमको इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को टॉप प्रायोरिटी दे दीजिए आज के बाद अपनी लाइफ में। आज के बाद जब आप इस हॉल से बाहर जाएं, पता चलना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को चेंज कर दिया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बच्चा सारा साल मैथमेटिक्स पढ़े और साइंस में नंबर 1 आ जाए। अगर वो जो पढ़ेगा वो उसी में आगे बढ़ेगा। प्रायोरिटी दीजिए फॉरएवर को। जैसे जैसे आप फॉरएवर को प्रायोरिटी देंगे, आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं इस मंच से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कभी नहीं बोलती आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। फॉरएवर कभी नहीं कहती कि आप अपनी फैक्ट्री बंद कर दीजिए। फॉरएवर कभी नहीं कहती कि आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए। फॉरएवर एक ही बात बोलती है, अगर आप अपनी नौकरी, जॉब, फैक्ट्री करते हुए अनसेटिस्फाइड हैं, तो फॉरएवर में आइए और फॉरएवर को समझिए और फॉरएवर को प्रायोरिटी दीजिए। जिस दिन आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दे दी, मेरा विश्वास है 50 साल पुराना कारोबार भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 5 साल में फेल करने की हिम्मत रखती है। इतनी जबरदस्त कंपनी है ये।
पहली बार लोग यहां पर आए होंगे ना, लोगों को यहां पे जब हम इनवाइट करते हैं उन्हें लगता है कि जैसे मेरे ना इनवाइटी का कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, आज उसका कोई फायदा होगा मेरे इनवाइटी का। आपको पता है आप जितने लोग आज पहली बार आए हैं आप लोग बहुत लकी हैं। आपको पता है किस व्यक्ति ने बुलाया है? आपको उस व्यक्ति ने बुलाया है जिसने आपके आने से पहले इस तरह की मीटिंग में एक बात सुनी थी कि अगर तुम किसी की लाइफ में तरक्की करना चाहते हो, किसी को खुश देखना चाहते हो, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो उस व्यक्ति को यहां आमंत्रित करो। आप सोचो कि आज जिस व्यक्ति ने आपको आमंत्रित किया है ना, वो आपका सबसे बड़ा इस दुनिया का वेल विशर है जिसने आपको आज यहां पर इन्वाइट करा है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़े। सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। फॉरएवर को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग्स को अटेंड करना बहुत जरूरी है। फॉरएवर में आने के कारण को मजबूत करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा ड्रीमर बनना जरूरी है। लोगों की नो की परवाह नहीं करनी है। एक बड़ी अच्छी शेर है, मेरे एक दोस्त बोलता है, वो कहता है कि भाई मत परवाह कर उनकी जो देते हैं तुझे ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। और मैं तो कहता हूं हमें सर झुकाना ही नहीं है, जो एक्सेप्ट करे उसे फॉरएवर ज्वाइन कराना है ना। हमें किसी को छोटा नहीं दिखाना है, हमें सब लोगों को फॉरएवर इंडस्ट्री में लेके आना है। दोस्तों फॉरएवर में बहुत पोटेंशियल है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने से पहले मैंने केवल दो बार विदेश यात्राएं करी थी, एक बार बचपन में, एक बार शादी के बाद। मैं शादी के बाद अपनी वाइफ को मॉरिशस लेके गया था। मुझे लगता था बस मैं अपने बच्चों को यही बताता हुआ रह जाऊंगा, तुम्हारे पापा मॉरिशस गए थे, है ना। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पोटेंशियल देखना चाहते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज मैं इस मंच पे खड़ा हूं। मैं फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद 44 इंटरनेशनल ट्रेवल कर चुका हूं, 44 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूं केवल इस बिजनेस की वजह से। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, हम इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी सोच से इसे ग्रो करें। सबसे बड़ी खुशी इस इंडस्ट्री में क्या मिलती है? लोग तो उम्र आने के बाद पार्कों में कुर्सियां लगाते हैं, सड़कों पे प्याऊ लगाते हैं, एक सोशल कॉज करना शुरू कर देते हैं जब लोगों के पास पैसा आता है। मैं फॉरएवर में आने के बाद एक बात बोलता हूं, आप ना पार्क में कुर्सी लगाइए ना सड़कों पे प्याऊ लगाइए, अगर आपको सोशल कॉज करना है तो सबसे बढ़िया काम है किसी को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन कराइए। इससे बढ़िया कॉज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी की एक बार तो प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको फॉरएवर ज्वाइन करा दी और वो आगे निकल गया, उसको तरक्की मिल गई, उसके बच्चों की एजुकेशन चेंज हो गई, उसके फादर की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई, उनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई, तो उससे बढ़िया सोशल कॉज नहीं हो सकता। फॉरएवर में रहने के बाद आप एक सोशल कॉज भी करते हैं ना। सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सक्सेस की बात करूं तो सक्सेस से पहले सबसे पहले एक बात बोलूंगा। आज आप एक्साइटेड होंगे, आप मोटिवेटेड होंगे, लेकिन याद रखिएगा आपको जब काम करेंगे ना आपको चैलेंजेस आएंगे, और जब आपको चैलेंजेस आएंगे, जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। कोई भी सक्सेस लाइफ में आपको फ्री में नहीं मिलती है। यहां कुर्सियों पे बैठे बैठे सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। और प्राइस किसी भी फॉर्म में पे करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको आज एक ट्रेनिंग अटेंड करी आपने, हो सकता है आज आप इस सक्सेस डे में बैठे हुए हैं, आपने प्राइस पे किया हो। प्राइस पे करने का मतलब टिकट खरीदना नहीं होता है, प्राइस पे करने का मतलब होता है कि आज आपने, आपको बहुत सारे और भी काम थे लेकिन आज आपने सारे काम छोड़कर फॉरएवर का इस सक्सेस डे को अटेंड करने का डिसीजन लिया, इसका मतलब आपने प्राइस पे करा। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सेमिनार में लोगों को बैठे हुए देखता हूं, लोग बोलते हैं आज मेरे बच्चे का बर्थडे था और मैंने वो बर्थडे मिस कर दिया, आज मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आया हुआ हूं। और कुछ लोग बोलते हैं मैं इसलिए नहीं आया कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे था। जो व्यक्ति इसलिए नहीं आया जिसके बच्चे का बर्थडे था, सोचिए कि अगर वो फॉरएवर नहीं कर रहा है और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और अगर फॉरएवर करेगा और 5 साल बाद जब बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करेगा तो उस शहर का सबसे अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है, अपने बच्चे का सबसे बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है। तो प्राइस पे करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, हर चीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी।
और सक्सेस बहुत अच्छी होती है, लेकिन सक्सेस उसी को मिलनी चाहिए जो डिजर्व करता है। क्या आप सब लोग सक्सेस को डिजर्व करते हैं? क्या आप सब लोग सक्सेस को डिजर्व करते हैं? एक बार जोर से क्लैपिंग करिए अपने लिए। यस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आया, मैंने पहले साल कारप्लान क्वालिफाई करा, उसके बाद कारप्लान लेवल वन मैंने फिर से क्वालिफाई करा, फिर कारप्लान लेवल वन मैंने फिर से क्वालिफाई करा, फिर मैंने लेवल टू क्वालिफाई करा, फिर मैंने लेवल थ्री क्वालिफाई करा, फिर मैंने लेवल थ्री क्वालिफाई करा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मैं 6 कारप्लान क्वालिफाई कर चुका हूं, 6th कारप्लान। सोच के देखिए कितना अच्छा बिजनेस है ये। आप नहीं भी गाड़ी मांगते, आपको तब भी कंपनी दे देती है। ऐसी कंपनी देखिए, हम सारी जिंदगी पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं, एक बाइक मांगते हैं, एक ड्रीम कार देते हैं, क्या पता कितने बर्थडेज निकल जाते हैं हमारे को हमारे पेरेंट्स के वो ड्रीम कंप्लीट करने में। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, आप केवल फॉरएवर में काम करते जाइए, सपने पूरे करने की गारंटी फॉरएवर आपके बिहाफ पर खुद ब खुद ले लेती है, खुद आपका सपने पूरा करना शुरू कर देती है। और सबसे अच्छी बात, ना तो खुशी होती है इस प्रॉफिट शेयर के चेक से इतनी, दिल से बता रहा हूं, जब कंपनी में पहला प्रॉफिट शेयर का चेक मिला था बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन अब क्या है, अब खुशी बदल चुकी है। अब खुशी ये हो चुकी है कि आपके माध्यम से कितने लोगों की जिंदगी बदलती है, ये सबसे बड़ी खुशी है। लाइफ में आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता था कि आप किसी और इंसान की जिंदगी को बदल सके, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने के बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं फॉरएवर को ज्वाइन कराने के बाद। एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलता है, और ये सब कुछ दोस्तों आपको फॉरएवर में मिलता है, फॉरएवर में मौजूद है आपके लिए। बस आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अंततः मैं अपनी एक छोटी सी एक बात कह के ख़त्म करूँगा कि लास्ट में ही बोलता हूँ, नेगेटिव लोग बहुत होते हैं, जब भी हम यहाँ से बाहर जाते हैं नेगेटिविटी अप्रोच करती है और वो बोलता है तू भी, उसकी बड़ी पुरानी लाइन है तू भी, तो ये नेगेटिव लोगों से थोड़ा बचकर चलिएगा। कहते हैं अगर नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे तो नेगेटिव लोग अप्रोच करेंगे, नेगेटिव लोग घर का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम्स फोन करेंगी, प्रॉब्लम्स घर का दरवाजा खटखटाएंगी। और अगर आज के बाद सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा और थोड़े समय में सक्सेस आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी। आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। मैं फॉरएवर को एक शिप बोलता हूं, शिप, फॉरएवर इज अ शिप, और हम सब लोग अपनी एक छोटी सी स्मॉल बोट में, एक छोटी सी बोट में, और हम उस बोट पर लगातार पैडलिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पिछले कई सालों से करते जा रहे हैं। मैं लोगों से मिलता हूं, लोग मुझे बोलते हैं आनंद मैं अपने 10 साल लाइफ में खराब कर चुका हूं, मैंने अपने बिजनेस में सब कुछ स्पॉइल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वो समुद्र में है, अपनी एक छोटी सी बोट में है, उस बोट में उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, उसकी बहन, उसके बच्चे हैं, और वो कंटिन्यूसली उस बोट को पैडल कर रहा है। और वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है सक्सेस की तरफ। किस तरफ जा रहा है? सक्सेस की तरफ। हर इंसान अपने अपनी बोट में बैठ करके सक्सेस की तरफ जा रहा है। लेकिन दोस्तों समुद्र में ना बहुत भयंकर वेव्स होती हैं, बहुत तेज वेव्स होती हैं, और वो इतनी तेज वेव्स होती है कि एक इंसान इतनी आगे निकल जाता है, एक वेव आती है वो उसको 10 साल पीछे कर जाती है, यानी कि 10 साल तक उसने जितना चला था उसको 10 साल पीछे कर जाती है। लेकिन उसी समुद्र में एक बहुत शानदार जहाज है, पानी का जहाज है, वो आपकी बोट के जस्ट बराबर में आके खड़ा होता है और वो आपको बोलता है मेरा एक काम कर, अपनी बोट को छोड़ मत, अपनी बोट को उठा और इस बोट को उठाकर मेरे साथ शिप में आ जा, और इस बोट को उठा के साइड पे रख दे, और जैसे तू पैडलिंग अपनी अपनी खुद की बोट में कर रहा था उतनी ही पैडलिंग इस शिप में कर, और अगर तू इस शिप में उतनी पैडलिंग करेगा तेरी बोट में तेरे को तेरी मंजिल तक पहुंचने की गारंटी नहीं थी, लेकिन यह शिप गारंटी लेता तेरे को तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। और उस शिप का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उस जहाज का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। और दोस्तों जहाज को ना मजा आता है, उसको लहरों से खेलने में मजा आता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कितनी भी बड़ी से बड़ी वेव्स क्यों ना हो जाएं। तो मैं अपनी बात को आज यहां पे विराम देता हूं, मुझे लगता है मेरा समय हो गया है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है?
और थैंक्स करता हूं अपनी टीम का, थैंक्स करता हूं इस मैनेजमेंट का, मैं आपके बिहाफ पर थैंक्स करता हूं। आपकी और हमारी सबकी कामयाबी के पीछे, अगर कोई बहुत बड़ा दीवार के पीछे कोई शख्स बैठा है ना, तो उस शख्स का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मैनेजमेंट। एक बार जोरदार तालियां उस मैनेजमेंट के लिए होनी चाहिए। वो मैनेजमेंट जो हमारे घर जाने के बाद अपने घर जाता है, और कभी कभी रात को 12-12 बजे तक आईडीओज में, ऑफिस में, कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता रहता है हमारे लिए, ताकि हमें वो पूरे रिवार्ड्स दे सकें जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। उस मैनेजमेंट को 100-100 बार धन्यवाद करता हूं मैं। यस, और आज से ही दोस्तों इस इंडस्ट्री के माइक्रो वर्ड्स पकड़ना सीख लीजिए, बैठ जाइए ट्रेनिंग्स के अंदर। हमें लगता है हम एनडीओ अटेंड कर रहे हैं, बीओपीपी अटेंड कर रहे हैं, पर्सनल केयर अटेंड कर रहे हैं, नहीं, हम ये ट्रेनिंग्स तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से उन माइक्रो वर्ड्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी वो माइक्रो वर्ड्स हम तक पहुंच जाएंगे, उतनी सफलता हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। आज से अपनी ट्रेनिंग्स को अटेंड करने का एटीट्यूड चेंज कर दीजिए। और साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद अगर मैं किसी का धन्यवाद करता हूँ तो अमरजीत सर का, जिनको मैंने अपना कोच, अपना मेंटर, सब कुछ समझा है। सर, एक सीक्रेट शेयर करने का मन है, स्टेज से कर देता हूँ। बहुत बार सोचता था कभी ये सीक्रेट शेयर करूँगा। सर का जब भी फ़ोन आता है तो मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं बैठा होता हूँ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं खाना खा रहा होता हूँ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, इनफैक्ट मैं ड्राइव कर रहा होता हूं तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के खड़ा होकर बात करता हूं। ये केवल दो सिचुएशन में होता है, या तो आप किसी से डरते हो या आप किसी की बहुत इज्जत करते हो। तो सर, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, थैंक यू। और इसी के साथ ही दोस्तों, आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। केवल आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में फॉर्म तो हम भरते हैं, लेकिन जब जीवन बदलना शुरू होता है ना, तो हमारे घर पे बैठे हुए हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ, हमारे स्कूल में पढ़ते हुए हमारे बच्चे, सबका ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो केवल आपने फॉरएवर को ज्वाइन करने का निर्णय नहीं लिया है, आपने एक मजबूत निर्णय लिया है। वो निर्णय केवल आपका नहीं है, आपकी पूरी फैमिली का है। याद रखिएगा, आने वाले टाइम में अगर आप फॉरएवर करते रहे और सिस्टम से करते रहे ना, आपको इस बिजनेस में हेल्दी मिलेनियर यानी कि हेल्दी करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।